आज हम कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान और गृह विज्ञान की इकाई 5 सा पढ़ेंगे। और इस इकाई में हम पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। तो जैसा कि बच्चों पेट की भूख मिटाने के लिए मनुष्य भोजन करता है, उसी तरह शरीर को पूर्णतः स्वस्थ और निरोग एवं पुष्ट बनाए रखता है भोजन, है ना। इसलिए हम भोजन करते हैं। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भोजन तत्व कौन कौन से होते हैं और भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका स्रोत क्या क्या है, और शरीर की रचना और क्रियाशील और संरक्षण की दृष्टि से उनकी क्या उपयोगिता है। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा। अब है ऊर्जा की परिभाषा। तो ऊर्जा भौतिक कार्य करने की शक्ति को कहते हैं। इसकी गणना ऊर्जा की गणना मात्रक में, कैलोरी में भी की जाती है। यह ईंधन मूल्य की एक इकाई या मात्रक की माप है। जो ऊष्मा दी जाती है उसे कैलोरी कहते हैं। और शरीर में भोजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन या व्यय, ऊर्जा की आवश्यकता तथा भोजन का ऊर्जा मूल्य, ये सभी कैलोरी के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इसको एक सूत्र के द्वारा दर्शाया गया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन CO2 और पानी के साथ मिलकर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब है कि विभिन्न आयु के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता। तो जिस तरह पंखा, स्कूटर, हवाई जहाज आदि चलाने के लिए बाहरी ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल या बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति या जीवधारी या मनुष्य को अपनी जैविक क्रियाएं या अपने कार्य करने के लिए जैसे कि उठना, बैठना, दौड़ना, सांस लेना और विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा, जैविक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि मानव शरीर भी एक इंजन या एक मशीन की तरह ही कार्य करता है, तो उसको विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग माप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आप तालिका देख रहे हैं आयु के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता। तो छोटे बच्चों में 1 वर्ष तक की आयु के बालक के लिए 1200 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन लगेगी। 2 से 3 वर्ष के बालक के लिए 1500 ऊर्जा कैलोरी प्रतिदिन। 4 से 5 आयु के बालक के लिए 1800। 6 से 7 वर्ष की आयु के बालक के लिए 1600। इसी तरह 10 से 12 वर्ष की आयु के बालक के लिए 2100 और 13 से 15 वर्ष की आयु तक के बालक की लड़कियों के लिए 3200 और 16 से 20 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए 3800 ऊर्जा कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होता है। अब है कि ऊर्जा को, आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है और आयु और अलग अलग काम करने के तरीकों के हिसाब से ऊर्जा की भी उसी तरह आवश्यकता कम या ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला है आयु। ये ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। इसमें बच्चों को, वयस्क तथा वृद्धों की अपेक्षा शरीर के भार को देखते हुए अधिक कैलोरी ऊर्जा चाहिए। बच्चों को, वृद्धों और वयस्कों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धों की अपेक्षा अधिक कैलोरी
अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती, क्योंकि कैलोरी से वे केवल शक्ति व गर्मी को ही प्राप्त नहीं करते किंतु उनके शरीर की वृद्धि के लिए भी उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है दूसरा लिंग। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कम कैलोरी की जरूरत है। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा कम कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वह पुरुष से लंबाई व भार में कम होती है तथा कार्य भी अधिक नहीं करती। अब है जलवायु। जलवायु के हिसाब से भी कैलोरी की में भी अंतर पड़ता है, मात्रा में अंतर पड़ता है। ठंडे देशों के निवासियों को गर्म देशों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि ठंडे देशों में गर्म देशों की तुलना में ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है तथा शरीर भार कम हो जाता है और गर्मी के कारण कार्य क्षमता भी घट जाती है। अब इसका चौथा कारण है कार्य। उम्र, समय और जलवायु। उम्र, समय, जलवायु, ये सभी विभिन्न प्रकार के काम कर ये सभी विभिन्न प्रकार के काम के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की जरूरत भी अलग अलग होती है। थका होने पर जब हम अत्यधिक अगर कार्य कर लें और थक जाते हैं उस समय सामान्य से अधिक ऊर्जा खर्च होने से थकावट हो जाती है। और कुछ कार्य जो एक ही स्थान पर बैठकर या खड़े होकर किए जाते हैं उसमें भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। शारीरिक श्रम करने पर मीठा खाने की इच्छा तीव्र होती है क्योंकि मीठे पदार्थों में हमको कार्बोज प्राप्त होते हैं जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं। अब पांचवा, गर्भावस्था एवं धात्री स्थिति। तो गर्भावस्था एवं धात्री स्त्रियों को सामान्य की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह लगभग 700 कैलोरी से ज्यादा होती है और इसमें 700 कैलोरी से अधिक की आवश्यकता होती है। अब है कार्यशीलता के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता। तो एक व्यक्ति को विभिन्न कार्य करते समय अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति हल्का काम करता है तब कम तथा भारी या वजनी काम करते समय उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानसिक श्रम करने वालों की अपेक्षा शारीरिक श्रम करने वालों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इधर पर हम और अच्छे से देखेंगे कि विभिन्न कार्यों को करते समय कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोते समय शरीर निष्क्रिय होता है और काम हम नहीं करते हैं, उस समय 1200 से 1500 प्रतिदिन कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। बैठकर विश्राम करते समय 1900 से 2000, हाथ का काम करते समय 3000 से 3250 ऊर्जा आवश्यक और व्यायाम करते समय 3500 से 6000। सामान ढोते समय, वजन उठाते समय 4000 से 5000, दौड़ते समय 6 से 9000, तैरते समय 5000 से 6000 कैलोरी ऊर्जा, नृत्य करते समय 6000 से 7000 और साइकिल चलाते समय 2000 से 3000 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट की दैनिक जीवन में इसकी परिभाषा है, दैनिक जीवन में कुछ न कुछ
ऊर्जा खर्च होने की प्रक्रिया बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऊर्जा खर्चे की दर को भी आधारित उपापचय दर कहते हैं। जो खाना पचाने की क्रिया होती है, भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसको पचाने की क्रिया को उपापचय की क्रिया और इंग्लिश में उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह सदैव बदलती रहती है, अतः व्यक्ति के शरीर का वजन तथा सामान्य स्वास्थ्य भोजन करने के 12 घंटे के पश्चात ही जब उसकी कार्यक्षमता तथा ऊर्जा की सही स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। अब है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, इसको BMR भी कहते हैं। BMR बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, इसको प्रभावित करने वाले तत्व में पहला है शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक कार्य अधिक करने से भी मेटाबॉलिज्म रेट उपापचय की क्रिया बढ़ जाती है। दूसरा है आयु, पुरुषों का मेटाबॉलिज्म रेट स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। फिर है लिंग है, इसमें क्या है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से अधिक होता है। फिर है आयु, शिशु से किशोरावस्था तक, जो बच्चे छोटे होते हैं और किशोरावस्था 15-16 साल तक, जो इनका मेटाबॉलिज्म रेट इनकी आयु के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि इस समय बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और जब उनका विकास हो जाता है, वो युवावस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय यह सीमित हो जाता है या घट जाता है। फिर है जलवायु, ठंडे प्रदेश की अपेक्षा या ठंड की अपेक्षा गर्मियों में भी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर है पांचवा है शारीरिक वजन, सामान्यतः वजन एवं आकार के अनुसार भी उपापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया प्रभावित होती है, इससे ये कम या अधिक हो जाती है। फिर है व्रत या कुपोषण की स्थिति में, व्रत या कुपोषण की स्थिति में भी मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। ये हम ये चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में कार्य और ऊर्जा, कार्य के अनुसार कैलोरी की मात्रा विभिन्न अवस्थाओं में। जब बच्चा छोटा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको 2000 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक। मजदूर है जो प्रतिदिन भारी काम करता है, उसको 3000 की आवश्यकता है कैलोरी की। फिर युवावस्था में 2800 2800, जो धात्री महिला है उसको 2700 2700 ऊर्जा कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जो महिला है जो भारी काम करती है, वजनी काम में परिश्रम अधिक करती है, उनको 2900, और ये महिला इनका शारीरिक श्रम कम है, महिला है पर शारीरिक श्रम कम कर रही है, तो उनको जो महिला है पर परिश्रम अधिक कर रही है, शारीरिक श्रम अधिक कर रही है, तो उनकी अपेक्षा जो महिला काम कम करती है, श्रम कम करती है, उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। बच्चों आप ये सब अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपियों में नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा देना है तो याद भी आपको ही करना पड़ेगा।